इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पेशी के अंदर आपका इस तरीके से इशू दिखाई देता है, मतलब बार बार जब आप कुछ एंटर करते हैं, डालते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है इंटरकरप्टेड एक्शन और देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस USB ड्राइव टू नीड एडिशनल टू कॉपी दिस फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर स्पेस फ्री यानी कि 95.3 GB हैं और हमें टोटल साइज जो हम इसका डाल रहे हैं वो यहाँ पर है 114 GB। ठीक है, यानी कि समथिंग हमारे पास 19-20 GB के करीब में कम है, 18-19 GB जो भी हो, तो उस सिचुएशन में ये नहीं जा पाएगी। तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना बैक कर देना है। अब यहाँ पर हमारी USB दिखा रही है यहाँ पर 95.3 GB और टोटल स्पेस हमारे 114 GB का था। लेकिन हम इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हो गए 2-3 फोल्डर। अब इसका हम स्टोरेज चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर स्टोरेज हम इसकी चेक कर लेते हैं। देखिए ये कैलकुलेट हुए और 17 GB है ये। अब 17 GB हम डायरेक्टली इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा इनडायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिक्कत कहाँ पर आती है, अब हमारे यहाँ पर 95 GB है। ठीक है, लेकिन हम मान के चलिए कि हमारे पास स्टोरेज तो है नहीं, उसे हम भेजे जा रहे हैं, तो वो नहीं जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आपको, जब आपके पास स्टोरेज होगी तभी जाएगी। अब यहाँ पर आप चाहें तो आपकी स्टोरेज में से कुछ डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे ना तो इजीली आप इसमें से डिलीट करके इसकी स्टोरेज खाली कर सकते हैं। अब जब स्टोरेज आपकी खाली हो जाएगी तो फिर आप इजीली यहाँ पर इसे सेंड कर सकते हैं। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।